पिछले बार मोदी लहर थी, इस बार राजनीतिक रूप में बेरोजगार विपक्ष के लिए मोदी कहर है। और जिस तरीके से बुंदेलखंड में, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का की कार्ययोजना हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बुंदेलखंड का विकास करने का विकल्पना हो, चाहे जगह जगह बुंदेलखंड में पाइपलाइन के माध्यम से नदी का पानी लाने का, पीने का पानी लाने की कार्य योजना हो, या सड़कों का निर्माण हो, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विशेष प्रोत्साहन बुंदेलखंड को दिया गया हो, आज चहुओर बुंदेलखंड के विकास की जो योजनाएं मोदी और योगी सरकार की हैं, उससे जो अभी तक उपेक्षित पड़ा बुंदेलखंड था, वो अब विकसित बुंदेलखंड की ओर बढ़ रहा है। इसलिए चिंता विपक्ष की है, और विपक्ष इस चिंता में, जो राजनीतिक रूप में बेरोजगार विपक्ष है, वो प्रधानमंत्री के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग, और जिसको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नकल करके विभिन्न प्रकार के जुमलों के द्वारा मीडिया ट्रायल करके वो कार्यकर्ताओं को, वो विभिन्न प्रकार के जो पब्लिक है, जनता है, उसको दिग्भ्रमित करना चाहती है। लेकिन मोदी जी का जो कार्य है 5 साल का और योगी जी का 2 साल का, उसके आगे विपक्ष हतोत्साहित है, और हमारा कार्यकर्ता उत्साह से बड़ा है। पूरे देश में आज मैं हूँ चौकीदार कार्यक्रम लॉन्च होगा 5:00 PM। भागते जाइए, वो भागते जाएंगे, और बीजेपी के लोग कार्यकर्ता उनका पीछा करते जाएंगे और उनसे पूछते जाएंगे कि अमेठी का अभी तक विकास नहीं किया है, अब केरल के विकास पे भी डाका डालने जा रहे हैं क्या? कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि आपकी स्मृति ईरानी अब की बार हैट्रिक बनाने वाली है हार की। एक कांग्रेस दिन में सपना देखने का काम कर रही है, और हम लोग रातों दिन काम कर रहे हैं। 72,000 लोग ये उनसे पूछेंगे कि 72 साल जब शासनकाल में रहे तो 72 रुपया का इंतजाम नहीं कर पाए, अब आने वाले 5 साल में वो 72,000 का कहाँ से कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कपोल कल्पित झूठी योजनाओं के आधार पर जनता को अब दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता।